आइए हम पढ़ेंगे पहले राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय उसके 1 और 2 पद। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यारोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यों पुकारा कि वेदी, हे वेदी, यहोवा यों कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिय्याह नाम एक लड़का उत्पन्न होगा, वह उन ऊंचे स्थानों के याचकों को जो मुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। मेरे मित्रों, यहां मैं एक पल यह कहना चाहता हूं कि यह बड़ी ही रोचक बात है कि वह लगभग 300 वर्षों बाद योशिय्याह इसराइल पर राज्य करेगा, परंतु परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने उसका नाम अभी ही बता दिया। वह एक अच्छा राजा था और उसने 31 वर्ष राज्य किया। योशिय्याह ने राजाओं के इतिहास के 5 धर्म सुधारों में से एक धर्म सुधार किया। इन धर्म सुधारों के बारे में हम इतिहास की पुस्तकों में पढ़ेंगे क्योंकि इनका उल्लेख राजाओं की पुस्तकों में नहीं किया गया है। मेरे मित्रों, इतिहास की पुस्तकों में परमेश्वर का दृष्टिकोण व्यक्त है। धर्म सुधार तो परमेश्वर की ओर से ही होते हैं। मनुष्य संख्या में रुचि रखता है, परंतु मन परिवर्तन जानना उसके लिए संभव नहीं है। परमेश्वर मन को जांचता और जानता है कि सच्चा सुधार हुआ है या नहीं। मेरे मित्रों, परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने वेदी के विरुद्ध भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर एक ऐसे मनुष्य को खड़ा करेगा जो उन वेदियों को नष्ट कर देगा और उसका नाम योशिय्याह था। आइए हम पढ़ें पहले राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय उसके 3 और 4 पद में। और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया कि यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यारोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच न सका। मेरे मित्रों, जब परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने भविष्यद्वाणी की तब यारोबाम वेदी पर धूप जला रहा था, अर्थात सोने के बछड़े के लिए बलि चढ़ा रहा था। जब परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने कहना बंद किया तब यारोबाम ने उस पर हाथ उठाया। वह कह रहा था कि उसे पकड़ो, उसे घात किया जाए। उसका हाथ तुरंत सूख गया, उसे लकवा मार गया। हम पहले राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय उसके 5 से 7 पद में पढ़ते हैं, और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई, सो वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, राजा के स्वर में तुरंत नम्रता आ गई और उसने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता से विनती की कि वह परमेश्वर से प्रार्थना करे कि उसका हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। राजा का हाथ चंगा हो गया। आभार व्यक्त करने के लिए वह भविष्यद्वक्ता को घर ले जाकर दान देना चाहता था। हम आगे पढ़ते हैं पहले राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय उसके 8 से 10 पद में। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर न चलूंगा और इस स्थान में मैं न तो रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यूं आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। इसलिए वह उस मार्ग से जिसे बेतेल को गया था ना लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वह भविष्यद्वक्ता दुष्टता और मूर्ति पूजा से समझौता करने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं था। यह बड़ी ही अद्भुत बात है, परंतु यह दुख की बात है कि आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन इस प्रकार के समझौते में पीछे नहीं हटते हैं। मित्रों, यहाँ यह कहना उचित होगा कि रूढ़िवादी मसीहियों में दुचित्ता बातें और स्वांग की बहुतायत है।
मैंने हाल ही में एक रूढ़िवादी लेख पढ़ा। यह रूढ़िवादी स्कूल के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहती थी। मैंने ऐसे दुचित्य बातें पहले कभी नहीं पढ़ी थी। मेरे मित्रों, वह महापवित्रता और ज्ञान की अति का दावा कर रही है। यह परमेश्वर की बातों के इनकार से बढ़कर और कुछ नहीं है। आज मसीही क्षेत्र में ऐसा समझौता है। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि हम कुरूप और भद्दे स्वभाव के हो जाएं या किसी मनुष्य विशेष से बात न करें या संगति न रखें, परंतु मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमें जो आवश्यक है वह यह है कि हम अपनी ज्ञान स्पष्ट व्यक्त करें जो परमेश्वर की महिमा के लिए हो सके। मेरे मित्रों, अनेक विश्वासी उन संस्थाओं में सहयोग देते हैं जिनके विषय उन्हें कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं है। वे दोष रहित हैं या नहीं, आपको सोचना है। यदि आपको आश्वासन नहीं कि कोई सिवा परमेश्वर का वचन सुना रही है या नहीं, तो आप उसे परखें। यह अति महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि परमेश्वर आपको अपने आर्थिक निवेश का उत्तरदायी ठहराएगा। मेरे प्रियो, यरोबाम का युग दुष्टता से पूर्ण था। यह भविष्यद्वक्ता राजा के घर भोजन नहीं करेगा। उसने उसकी संगति से स्पष्ट इनकार कर दिया। तथापि अगले पदों में हम देखेंगे कि वह अन्य किसी भविष्यद्वक्ता द्वारा परमेश्वर की आवज्ञा करने में छला गया और इसका परिणाम बहुत दुखदायी हुआ। यद्यपि वह एक मूर्ति पूजक राजा की संगति से प्रसन्न नहीं था, वह एक एक ऐसे मनुष्य द्वारा छला गया जो परमेश्वर के निर्देश पाने का दावा कर रहा था। मेरे मित्रों, आज जब परमेश्वर की कलीसिया सांसारिक बातों में व्यस्त हो जाती है और हर प्रकार का समझौता करने को तैयार हो जाती है, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की नाक के लिए वह दुर्गंध हो जाती है। हमारा युग बहुत अधिक यरोबाम के युग का सा है। अतः हमें वैसी ही सतर्कता और विवेक की आवश्यकता है। विवेक को काम लेना है जिसकी उस समय परमेश्वर के उस भविष्यवक्ता को आवश्यकता थी। आप सोचते होंगे कि यरोबाम को उस भविष्यद्वक्ता के साथ जो अनुभव हुआ उससे उसका जीवन बदल गया होगा। उसका हाथ सूख गया था और फिर चंगा हुआ। आपके विचार में क्या उसका मन परिवर्तन हुआ? पहले राजाओं की पुस्तक 13 अध्याय उसके 33 और 34 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसके बाद यरोबाम अपनी बुरी चाल से न फिरा। उसने फिर सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक बनाए, वरन जो कोई चाहता था उसका संस्कार करके वह उसको ऊंचे स्थानों का याजक होने को ठहरा देता था, और यह बात यरोबाम के घराने का पाप ठहरी। इस कारण उसका विनाश हुआ और वह धरती पर से नाश किया गया। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि यरोबाम के जीवन में एक मौका मिला, फिर भी वह परमेश्वर के निकटता में नहीं आया। उसके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। आज हम में से बहुतों के जीवन में भी परमेश्वर कार्य करता है, परंतु हम अपने जीवन में परिवर्तन को लाना नहीं चाहते हैं। यह कितनी ही दुखद बात है। मित्रों, हम आगे देखते हैं अध्याय 14 में यरोबाम और रहोबियाम के राज्य का वर्णन और विभाजित राज्यों के राजाओं का घृणित इतिहास जो यहाँ पर आरंभ होता है। उत्तरी राज्य इसराइल में एक अच्छा राजा नहीं हुआ। इसराइल के 19 राजा हुए और सब बुरे हुए। दक्षिण राज्य में 20 राजा हुए, जिनमें से 12 राजा बुरे थे और केवल 8 राजाओं को अच्छा कहा जा सकता है, जिनमें से 5 असाधारण रूप से अच्छे थे। मेरे मित्रों, अध्याय 14 के आरंभ में यरोबाम अपनी पत्नी को भविष्यद्वक्ता अहिय्याह के पास भेजता है, क्योंकि उसका पुत्र रोगी हो गया था। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा संदेश भेजा कि वह बच्चा मर जाएगा और वह यरोबाम पर दंड की भविष्यद्वाणी भी करता है। तो आइए हम देखें यरोबाम को परमेश्वर का दंड। पहले राजा की पुस्तक 14 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, तू जाकर यरोबाम से कह कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है कि मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इसराइल पर प्रधान किया और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ,
जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। मेरे मित्रों, अब से आगे दोनों राज्यों के राजाओं के लिए दाऊद आदर्श बनेगा। यरोबाम दाऊद के स्तर से बहुत नीचे गिरा, अतः वह हटाया जाएगा। हम पहले राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय उसके 19 और 20 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, यरोबाम के और काम अर्थात उसने कैसा कैसा युद्ध किया और कैसा राज्य किया, यह सब इसराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। यरोबाम 22 वर्ष तक राज्य करके अपने पुरखाओं के साथ सो गया और नादाब नाम उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। मेरे मित्रों, रहुबियाम के अधीन यहूदा का ईश्वर त्याग, और आप सोच रहे होंगे कि दक्षिणी राज्य में स्थिति अधिक अच्छी रही होगी, परंतु ऐसा वहां पर भी नहीं था। आइए हम पढ़ें पहले राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय के 25 से 27 पद में। राजा रहुबियाम के 5वें वर्ष में मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं सब की सब उठा ले गया, और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनाई थी सबको वह ले गया। इसलिए राजा रहुबियाम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। मेरे प्रियो, वृद्ध रहुबियाम का पतन हो रहा है, परंतु वह ऊपरी दिखावा कर रहा है। मिस्र का राजा सोने की ढालें ले गया तो उसने पीतल की ढालें बनवा कर लगवा दी। आगे लिखा है कि वहां गृह युद्ध हुआ। पहले राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय उसके 30 पद में हम पढ़ते हैं, रहुबियाम और यरोबाम में तो सदा लड़ाई होती रही। अब अंत में रहुबियाम की मृत्यु हो जाती है। पहले राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय के 31 पद में लिखा है, और रहुबियाम जिसकी माता नामा नाम एक अमोनीन थी अपने पुरखाओं के साथ सो गया, और उन्हीं के पास दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अबियाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही राजाओं की मृत्यु होती है और दोनों ही राजाओं के पुत्र उनके स्थान पर राज्य गद्दी को संभालते हैं। लेकिन दुखद बात तो यह है कि ये राजा अपने जीवन काल में परमेश्वर के निकटता में नहीं बढ़ पाए। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी जो हम मसीही जीवन जीने की दावा करते हैं, हम सही रूप से अपना जीवन नहीं जी पाते हैं। कई बार परमेश्वर मुझे और आपको मौका देता है और वह चाहता है कि हम उसके कार्यों को स्मरण करें, अपने उन आशीषों को स्मरण करें जिसे उसने हमारे पिताओं माताओं और हमारे पुरखाओं को दिए हैं। मेरे मित्रों, आज मेरे लिए और आपके लिए एक अवसर है कि हम फिर से प्रभु के निकटता में आए, उन सारी बातों को स्मरण करें और अपने उस बुरे चाल चलन से, उस पापमय जीवन से फिर कर परमेश्वर की ओर आ जाएं। वही परमेश्वर जिसने दाऊद को क्षमा किया, आज वह आपको भी क्षमा कर सकता है। क्या आप चाहते हैं कि वह आपको क्षमा करे? क्या आप चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में शांति को प्राप्त करें? यदि हाँ, तो आज प्रभु के पास आ जाएं। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, वह आपको क्षमा कर देंगे।